हाय वेलकम अगेन, आई एम जेएस यादव। गाइस आज के इस वीडियो में आई एम नॉट गोना टीच यू एनीथिंग। आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास पढ़ाने नहीं जा रहा, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके लिए एग्जामिनेशन में, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। कई बच्चों के मैसेज आए, अभी मैं पढ़ ही रहा था, बच्चों से शायद बात कर रहा था और वो कहना चाह रहे थे कि सर कुछ लास्ट मिनट टिप्स अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल गाइज, आई एम गोना शेयर वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल ट्रिक्स फॉर यू पीपल। बहुत अहम बातें मैं आज डिस्कस करूंगा इस छोटे से वीडियो में, लेकिन मैं किसी एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन इन विच इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ टेस्ट। कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र बन के आता है, ऑब्जेक्टिव विकल्प वाला, वो विकल्पी जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज आपने करना क्या होता मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं सारी स्ट्रैटजी शेयर करना चाहूंगा, और ये जो स्ट्रैटजी है गाइज ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ मैंने अपने सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग समवेयर और दी अदर, उनके साथ जब मैंने बातचीत की और पता चला कि आखिर स्ट्रैटजी क्या होनी चाहिए। गाइज आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाएं और आप अगर घर लाएं तो 200 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बुक्स की हेल्प लेके, और टाइम अगर ज़्यादा हो शायद एक घंटे नहीं, दो घंटे, चार घंटे में कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एग्जामिनेशन में होती है वो लिमिट, जो हमारे पास टाइम लिमिट होती है, उस लिमिटेड टाइम में हमें वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और दिस इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट एंड मैमथ टास्क, है ना। ये एक बड़ा ही जो है मुश्किल काम होता है हमारे लिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में क्या होता है गाइस, हमारे पास चार सेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस सेक्शन को आपने पहले करना है। सबसे पहले गाइस आपने अटेम्प्ट करना चाहिए जीएस, जी हाँ, जर्नल स्टडीज को पहले आपने करना होगा, समान अध्ययन को आपने करना होगा। क्यों करना होगा? रीजन उसका ये होता है क्योंकि जर्नल स्टडी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने आपने सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, और पढ़कर या तो आपको क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। उनके लिए आपने पेन और पेपर लेकर सॉल्व नहीं करना होता, उसमें कोई ट्रिक, उसमें कोई फॉर्मूला, उसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा होता। अगर आता है तो आप करते, नहीं तो नहीं। मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन जीएस के हैं तो आपको हार्डली 10 मिनट्स देने होते हैं उन्हें रीड करने में, और पढ़ते ही आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं तो आप चेक करें, नहीं आते तो क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल सेव योर टाइम। तो सबसे पहला सेक्शन क्या अटेम्प्ट करेंगे गाइस आप? जीएस। उसके बाद आते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश को मैं डिटेल में बताऊंगा वीडियो के एंड में, आपको बताऊंगा इंग्लिश में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंग्लिश आपका सेकंड सेक्शन ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में कई कैटेगरीज हैं। किस कैटेगरी को पहले करेंगे, कब एरर करें, कब कॉम्प्रिहेंशन करें, ये मैं वीडियो के एंड में अभी बताने जा रहा हूं। पहले जीएस किया आपने, फिर इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद आप रीजनिंग को करेंगे, ठीक है। रीजनिंग मैं मान के चलता हूं अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं गाइज, तो बहुत आसान होता आपके लिए 25 से 30 मार्क्स के अटेम्प्ट कर पाना, क्वेश्चंस कर पाना बड़ा आसान होता है, और कुछ बड़े ट्रिकी होते हैं। आपने क्या करना है, जीएस में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इंग्लिश में भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अब जब थर्ड सेक्शन मैंने आपको बताया रीजनिंग, उसमें क्या करना है गाइस, कुछ क्वेश्चंस आप जानते हैं कि देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें कर लेना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको पता है कि यू कैन सॉल्व देम, आप उन्हें हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उनको करने में बहुत समय लगेगा। तो यही, इट इज योर क्लेवरनेस, इट इज योर विजडम, इट्स योर इंटेलिजेंस, यू नीड टू अप्लाई देयर, यही बुद्धिमानी दिखाने का समय है। जो क्वेश्चन बहुत समय लेंगे उन्हें आप वहां पर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे लगभग। अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं तो आपने 15-20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखते हो जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन आप जानते कर तो ये भी लेंगे, लेकिन ये बहुत टाइम लेंगे। तो यू नीड टू बी क्लेवर इनफ देयर, आपने वो 5 क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग छोड़ देने हैं। डिड आई मेक इट क्लियर? जीएस पूरा किया आपने, इंग्लिश पूरा किया, इंग्लिश की जो कैटेगरीज अभी मैं बाद में बताऊंगा, रीजनिंग में लगभग आपने ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस कर लिए जो आपने देखते ही कम टाइम में कर लिए, जो मुश्किल थे उन्हें छोड़ देते हैं, हो जाएंगे लेकिन बाद में। नाउ यू सेव ऑल योर टाइम एंड कम टू मैथ्स। मैथ्स को देखते ही आपको लालच आ जाता है कि सब कुछ ही कर लेंगे, बचपन से मैथ्स बहुत स्ट्रांग है हमारा, है ना, ऐसा लगता है हमें, लेकिन मैथ्स स्ट्रांग है, हर एक सवाल आप हल कर सकते हैं, लेकिन दिए हुए टाइम में आपने हल करना है। और वहां पर अराउंड अगर मैं 25 क्वेश्चंस लेता हूं तो 10 या 5-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही आपसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ एवरेज होते हैं, एवरेज होते हैं, डिफिकल्टी लेवल उनका एवरेज का होता है, तो उनमें थोड़े से परेशान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनमें बहुत टाइम लग रहा होता है। यहाँ भी हमें क्वेश्चंस की सॉर्टिंग करनी है, यानी एक बार में क्या करना है, अपने इजी क्वेश्चन सारे कर लेने, जो एवरेज थे उन्हें भी अटेम्प्ट कर लेंगे। अब जो मुश्किल पार्ट बचा है गाइस, किसका बचा हमारे पास? रीजनिंग का और मैथ्स का। जो क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट थे, जो सम्स बहुत डिफिकल्ट थे सवाल, उन्हें आप छोड़ेंगे मैथ्स में, उधर रीजनिंग में। अब रीजनिंग और मैथ्स में कंपेयर करेंगे, देखो जी हमें वहाँ ये नहीं दिखाना कि मैं आर्यभट्ट हूँ, हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैथ्स मुझे ही आता है, तर्क शक्ति गुरु मैं ही हूँ, रीजनिंग गुरु मैं ही हूँ, ये नहीं दिखाना है, इंग्लिश का शेक्सपियर आप ही, ऐसा नहीं दिखाना है। तो गाइज आपने तो एग्जाम क्लियर करना है, आपने हर सेक्शन में मार्क्स लाने हैं, तो मेक श्योर कि इजिएस्ट पार्ट को पहले करते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट को बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो आपने जीएस पूरा कर लिया, इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा, इंग्लिश भी पूरा अटेम्प्ट करना होता है इन वन गो। अब आपने रीजनिंग में मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो छोड़ा हुआ था, और यहाँ आपका मैथ्स का मोस्ट डिफिकल्ट जो सम्स थे, इनमें से आप डिसाइड करो कौन से जल्दी सॉल्व होंगे,
कम समय में अगर रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो पांच आपने छोड़ रखे हैं वो जल्दी हो जाएंगे, तो जी हाँ, पहले उन्हें करें और अब जो समय बचा है पूरा समय लाकर आप मैथ्स में लगा दें। ये स्ट्रैटजी होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट में, हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जीएस फिर इंग्लिश। इंग्लिश जो सेकंड सेक्शन था आपका, उसमें सबसे पहले आपको करना होगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें कर पाना बहुत आसान होता है, बचपन से आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, आप कर पाएंगे। वॉइस और नरेशन, वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो नरेशन हम बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं, उन्हें करेंगे। डेटा में क्लियर गाइज, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे वकैब, वकैबलरी की सेक्शन की, उसमें आप करेंगे, आपके पास हो सकता है idiom phrases हो, one word substitutions हो, antonyms हो, synonyms हो, है ना, spelling correction हो, पहला यानी सबसे पहले क्या किया आपने, voice narration, then vocabulary entire part, one word substitution, idiom phrases, antonyms, synonyms, ठीक है, spelling correction, ये सारा। Guys उसके बाद हम आते हैं स्पॉटिंग एरर्स पे, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन अब आपने करने होते हैं, vocab को voice narration, then vocab एंड देन स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आपने पढ़ने और करने हैं। उसके बाद आप जाएंगे इंप्रूवमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इंप्रूवमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स, मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू वांट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक अ गुड नोट ऑफ इट, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट गो एंड व्हाट इन द सेकंड गो, कौन से वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, इसका आप नोट बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत यूजफुल ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, वॉइस नरेशन, फिर आपने क्या किया, वकैब का सेक्शन, फिर आपने क्या किया, स्पॉटिंग एरर्स, और फिर आपने किया इंप्रूवमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स। डेटा में कि क्लियर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश में जो बचा हुआ है वो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, और कॉम्प्रिहेंशन आपको पता होगा तीन चीज़ें होती है कॉम्प्रिहेंशन में, एक हमारे पास होता है अनसीन पैसेजेस, एक हमारे पास होता है जंबल्ड सेंटेंसेस, और एक हमारे पास होता है क्लोज टेस्ट। डेटा में कि क्लियर, तो इन तीनों में सबसे पहले क्या करना होगा बताने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले आप अनसीन पैसेजेस करेंगे। पैसेज को करते समय गाइज क्या करना होगा, पहले आप पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उससे हमें एक जिस्ट, एक समरी मिल जाती है, एक सिनॉप्सिस हम तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम पैसेज को पढ़ते हैं, हमें पता होता है क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि आखिर हमारी मंजिल है क्या, क्या ढूंढेंगे हम क्वेश्चंस को पढ़कर, क्योंकि क्वेश्चंस एक बार पढ़ने से हमें याद हो सकते हैं, बट इतना बड़ा पैराग्राफ एक बार में नोबडी कैन मेमोराइज, एक बार में इतना बड़ा पैसेज को याद नहीं कर सकता। तो पहले अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस, उससे थीम हमारे दिमाग में आ जाएगा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, फिर अनसीन पैसेज को पूरा करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जाएं आप टिक करते जाएं। बहुत बड़ा पैसेज है, अगर शुरुआत की दो तीन लाइनों में ही बात बन गई तो शायद हम पूरा पैसेज छोड़ दें, टाइम वेस्ट ना करें, और सोचो अगर हमने पहले पैसेज पढ़ा होता तो पूरा पैसेज पढ़ा होता, फिर एक क्वेश्चन पढ़ते, आंसर ढूंढते, तब तक हम पैसेज भूल जाते, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते, फिर पैसेज पढ़ते, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले गाइज अनसीन पैसेजेस। उसके बाद आप बात करेंगे जंबल्ड सेंटेंसेस की, जंबल्ड सेंटेंसेस के लिए मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर, उन्हें आप देख सकते हैं, अच्छी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और थर्ड लास्ट जो रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का वो रहेगा आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट थोड़ा ट्रिकी रहता है, उन्हें भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है और उनके एग्जाम से शायद कल एक एफसीआई का एग्जामिनेशन है उसके लिए भी, ठीक है, तो आप पहले करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में क्या, अनसीन पैसेजेस, जंबल सेंटेंसेस, पीके वाला जिन्हें आप बोलते हैं, और उसके बाद करेंगे क्लोज टेस्ट। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस, एक बार फिर से रिकाइप करता हूं मैं आपको विद इन टू सेकंड्स ओनली। सबसे पहले जीएस, फिर इंग्लिश, इंग्लिश की कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया, देन यू गो टू रीजनिंग पार्ट, देन यू गो टू मैथ्स, राइट गाइज। आई होप ये चीज आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, यूजफुल रही होगी। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं फिर कहना चाहूंगा, आपके लाइक्स, आपके जो कमेंट्स होते हैं और आपकी जो शेयरिंग होती है वो मुझे बहुत इनकरेज करती है, तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें अपने बीच में, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनके बीच में करें, और आपके लाइक और शेयर मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि मैं बेस्ट कंटेंट के साथ आपके बीच में आऊँ। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम जे एस यादव।